क्या आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी शॉर्टकट कीज होते हैं ना, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और उसको आप देख भी सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज देखने के लिए आपको गूगल सर्च वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे आपको देखना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, आप उसे यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट कीज को रिमेंबर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको करना है अल्ट एफ एट, ठीक है। जैसे आप अल्ट एफ एट करेंगे ये मैक्रोज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली आपको मैक्रोज जो इन है ना, यहाँ पे आपको सर्च करना है वर्ड कमांड्स, ठीक है। वर्ड कमांड्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नेम यहाँ पे टाइप करने के लिए आ रहा है, यहाँ पे टाइप करना है एल आई एस टी लिस्ट कमांड्स, लिस्ट कमांड्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रन का ऑप्शन दिखेगा, रन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जस्ट आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे ये देखिए सारे कमांड्स, मतलब कि सारे जो शॉर्टकट कीज हैं सारे यहाँ पे आ गए हैं। जैसे बोल्ड के लिए यहाँ पे देखिए बोल्ड कंट्रोल प्लस बी यूज करना है, इसके बाद बुकमार्क के लिए कैसे यूज करना है, सारे शॉर्टकट कीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारे शॉर्टकट कीज जो है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही देख सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली यूजफुल लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।